अब सुनो ध्यान से, प्रश्न यह है कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, कैसे पता लगाएं कि भक्त है, बताओ। बड़े गजब का प्रश्न। अब सुनो, भक्त कैसे होते हैं वो सुन लो। सुनाऊं कि नहीं हैं? 50% तो हम समझे, सब समझे बैठे हैं, हम भक्त ही हैं। अब जब ये सुनोगे ना, झट थोड़ी कायाकल्प होगा, कुछ बदलाव आएगा सोच में। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान के भक्त घर छोड़ के नहीं बन सकते। भगवान के भक्त मात्र तिलक लगाने या माला करने से नहीं हो सकते। कुछ विशेष चीजों को नोट करो अपने लाइफ में, वो सीखो। सबसे पहली शर्त क्या है? जो पुरुष अथवा स्त्री अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता। वर्ण व्यवस्था हरेक पुराण में है। जो पुरुष अथवा स्त्री अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहेद और अपने विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, घर वाले भी बराबर, शत्रु भी बराबर, किसी से द्वेष नहीं, समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता, किसी का पैसा पड़ा उसे कोई मतलब नहीं, सोना पड़ा है, हमारे शास्त्रों में कहा है पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पराये धन को मिट्टी समझो। और आजकल पराये धन पे आंखें गाड़ के बैठे, कैसे भी करके ये मिल जाए, ये मर आ जाए, बस काम हो जाए। नहीं, पराया धन हमारे किसी काम का नहीं। अब आप कहेंगे, आप तो हमसे कहते हैं इतना दान दो, इतना दान दो, क्यों? ये क्या है? आप लोग गौशाला बनवाते हैं, हमसे दान मांगते हैं आप, और जो व्यवस्था करते हैं सबसे कहते भूमि दान दो, ये क्या है? अच्छा बताओ, ये पराया धन है? गुरु कौन होता है? शिष्य क्या गुरु से अलग है? जैसे बाप की संपत्ति बेटे की होती है, जैसे बेटे की संपत्ति बाप की होती है, वैसे ही जो गुरु भाव रखते हैं उनकी संपत्ति गुरु की, गुरु की संपत्ति उनकी, ये सब एक भाव है। और सत्कर्म के लिए अच्छा मांगना भी, जैसे मांगा तो पराए धन की कहाँ रही, वो तो मांग रहा है, आपकी इच्छा है आप दो चाहे आप मत दो, तो वहाँ पराए धन पर दृष्टि नहीं रही, वहाँ तो जरूरत की बात हो गई। लेकिन कोई देना नहीं चाहता फिर भी वहाँ आँखें टिका के लगा के बैठे, ये चाहिए नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती ले लेंगे, चोरी कर लेंगे, उस बात की हो रही है यहाँ पर। जो व्यक्ति पराए द्रव्य का हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, भगवान का भक्त क्या किसी की हिंसा करेगा? जो अंडे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, वो भगवान के भक्त हो सकते हैं? जो बलि देते हैं क्या वो भगवान के भक्त हो सकते हैं? इसमें स्पष्ट प्रमाण है, जो किसी की हिंसा, किसी जीव की हिंसा नहीं करता, भगवान को क्या बलि पसंद होगी? और क्यों भगवान, और अगर उनको बलि पसंद है तो फिर यहां वर्जित क्यों, इन पुराणों में क्यों वर्जित किया? न राम को बलि प्रिय है, न विष्णु को बलि प्रिय है, न शंकर भगवान को बलि प्रिय है, न श्री कृष्ण भगवान को बलि प्रिय है, न देवी को बलि प्रिय। एक भी पुराण में आप बता दो कि वहां पर देवी ने कहा है कि मेरे लिए बलि चढ़ाओ, बताओ जरा कहीं लिखा हो तो। ये नहीं, हिंसा नहीं, जो भक्त होते हैं वो किसी जीव की हिंसा नहीं करता। अत्यंत रागाद शून्य निर्मल चित व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो, जो रागों के भी चक्कर में अधिक नहीं है, वासनाएं भी ज्यादा नहीं है, और जिसका मन निर्मल है, जिसका चित्त निर्मल है, ऐसे जीव को भगवान का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त
कली कलमस मल से मलिन नहीं हुआ, और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है उस मनुष्य को भगवान का भक्त समझो। जिसके हृदय में भगवान वास करते हों वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु के परम भक्त है, उन्हें भगवान का भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर, ध्यान से सुनना, जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि का तृण के समान समझकर, बुद्धि द्वारा उसे तृण के समान समझकर निरंतर उसको इग्नोर कर देता है, और जो समझता है उसे तृण समझता है, भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, नरश्रेष्ठ विष्णु का भक्त उसी को जानो। एक कथा आती है, ये क्या कहा गया कि दूसरे के स्वर्ण को अकेले में, जब कोई नहीं है, स्वर्ण ही पड़ा है पर है दूसरे का, तुम्हारा तो नहीं है, उस स्वर्ण को भी देखकर जिसकी बुद्धि विचलित ना हो, भक्त किसको कहते हैं? एक नाम सुना होगा आपने भक्तों में, राका वाका, सुना है? पति पत्नी एक बड़े गरीब थे, लकड़ी बेच के अपना उदर भरते थे, लकड़ी बेचते बाजार से, वन में से लाते, बाजार में बेचते, उससे जो धन मिलता उससे अपना, अतिथि सेवा भी करते उसमें, कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि सेवा भी करते और फिर भोजन करते थे। तो लक्ष्मी जी ने एक बार कहा, ये आपके भक्त हैं है? और आपको इन पर दया नहीं आती, ये बेचारे कई दिन कई कई दिन भूखे रह जाते हैं, आपको कुछ तो दया करनी चाहिए इन पे। भगवान बोले, लक्ष्मी मैं तो दया करता हूं पर ये मेरी भी दया लेना नहीं चाहते, इतने श्रेष्ठ हैं ये, इन्हें हमसे ही नहीं चाहिए कुछ। अरे महाराज, जो हमें पागल बना रहे हो, ऐसा कौन है जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए? बोले ये ऐसे ही है, इनको कुछ नहीं चाहिए मुझसे। नहीं नहीं प्रभु, बोले हाँ हाँ देवी, बोले आप दे के दिखाओ, आप दे के दिखाओ इन्हें। भगवान बोले चल तुम्हें दिखाते हैं। तो आगे आजकल की तरह नहीं है कि पहले पति, आजकल तो थोड़े मॉडर्न है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय चला चला खूब घूमो, कोई बात, पहले पति पत्नी, आप गांव में जाओ किसी पति पत्नी, आजकल तो गांव में भी धाम चिक्का मच रहो, तुम आई सुबैया बड़ा बुरा है, गांव गांव ना रहे हो। पहले हमने ये देखा था, कोई पति अपनी पत्नी को लिवाने आता था गांव में, तो पति आग जाग मो खरगाए कुआ पे ठाड़ होएगा है, और फिर वो पत्नी जा रही है अपनी माँ के संग, बहन के संग है, पति के संग नहीं बैठती थी कि अरे मेरे भैया क्या कहेंगे, मेरे पापा क्या कहेंगे, मेरी माँ क्या कहेगी, पैदल पैदल वो जा रही है, वो बेचारा पैदल पैदल दूर खड़ा है, वो वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है, और जब तक गांव की सीमा ना निकल जाए तब तक पत्नी पीछे पीछे चलती थी और पति आगे आगे चलता था, और पति मुड़ के भी नहीं देखता था देवी आ रही है कि नहीं, वो छम छम की आवाज़ जो पायलों की, चूड़ियों की, खन खन की, इसी से अंदाज लगाता था देवी जी पीछे चल रही हैं, सुरक्षित, चित्त वहीं रहता था देवी जी में, ऐसा कौन सा नयो पति है जाको नयो ब्याह है और बहू में ध्यान न जाए, है कोई ऐसा? अच्छा बताओ, है कोई? हाँ, जब नई नई शादी हुई हो तो चित्त उसी में रहता है, लेकिन मर्यादा देखो आंखें सामने, आजकल के लोगों का चित्त कहीं और नजरे उस पे, घबरा गए, परेशान हो, ईमानदारी से देखो जिससे तुम प्रेम करते हो उसके चित्त में तुम नहीं हो कहते हो, लेकिन आंखें तुम पे टिका के रखे। पहले लोग चित्त अपनी पत्नी में लगा रखे, नजरें सामने इसलिए हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ऐसे लोग चलते थे पहले। अब कई बात पे कह रहा था मैं, राका वाका के, तो आगे आगे पतिदेव चल रहे थे, पीछे पीछे पत्नी आ रही थी, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो इनकी कुछ मदद कर देते, हेल्प कर देते, तो भगवान ने कुछ धन या कुछ मणि वहाँ पटक दी, कहाँ? जिस मार्ग से राका जी जा रहे थे,
उनकी नजर उन पे पड़ी। किनकी? जिनके घर में खाने को नहीं है। अभी खाने के लिए पहले लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं, सूखी मिल जाए, फिर उसे बाजार में बेचेंगे और फिर जाके अन्न इत्यादि लाएंगे, कुछ मिल जाए तो ठीक है, फिर अतिथि को खिलाएंगे, बचेगा तो पाएंगे। भगवान ने उनके सामने ऐसा कुछ मणि या स्वर्ण सोने की मुद्राएं वहां पोटली में बांध के छोड़ दी, और ऐसी पोटली खुली हुई जिससे वो दिखे। आगे आगे पतिदेव जा रहे थे, पतिदेव की नजर पड़ी तो पतिदेव ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इसे देख के हमारी पत्नी का मन मचल जाए। भाई पत्नी का एक रोज रोज लकड़ी बेचने से क्या फायदा, ले चलो सेवा करेंगे। तो उनके पतिदेव ने क्या किया, मिट्टी डालने लगे उस पे। किस पे? स्वर्ण मुद्राओं पे। काय के लिए? जिससे हमारी पत्नी को दिखाई न पड़े, उस पे मिट्टी डालने लगे। इतने में आ गई उनकी पत्नी। उनकी पत्नी कह रही, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? क्या कहा? अरे महाराज, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ओहो, पति की आंखों से झरझर आंसू बह निकला। आहा, मैं क्या समझता था तुम क्या निकली, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गई, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गई। मैं तो समझ रहा था कहीं इस स्वर्ण मुद्रा को देखकर तुम्हारे मन में लोभ न जग जाए। मैंने तो स्वर्ण मुद्रा तो समझी, तुम तो उसे मिट्टी समझ रही। ऐसा हमारा ज्ञान, ऐसा हमारा पुराण, ऐसे हमारे भक्तों का इतिहास है। और ये उनकी बात है, किनकी? जिन पे खाने को नहीं था, और आज जिनके ऊंचे ऊंचे मकान हैं फिर भी सबको खा जाना चाहते हैं। लंबी चौड़ी दुनिया बसी पड़ी है फिर भी पेट नहीं भर रहा है, ये सोच रहे पूरी दुनिया को निचोड़ के खा जाए। अरे मेरे भैया, एक दिन यहीं रह जाना है, निचोड़ रहे हैं पूरी दुनिया को। गरीबियों को इस समय कितने बंद हो गया क्या, वो हो गया ना? हाँ, अब सुनो, अब कह सकते हैं सरसों को तेल कै रुपया किलो है, ए? सरसों कै रुपया किलो है, ए? अरे सरसों कै रुपया किलो है? सरसों नहीं मालूम? सरसों 150 रुपया किलो होगी? 8000 ना है किलो, भैया तू ही बता दे भाई, 85 रुपया किलो। 85 रुपया किलो की सरसों को तेल 220 रुपया किलो, कै गुना ज्यादा है? गो डबल ते भी ज्यादा। ये बेईमानी नहीं है? ये बेईमानी है कि नहीं? क्या करना चाहते हैं? निचोड़ देना चाहते हैं, से हमारा बन जाए, एक ब्रांड लगा दिया बस। आप कहेंगे बोतल भी देनी पड़ती है, लोगो भी लगाना पड़ता है। चलो एक 85 को ना 15 रुपया की बोतल, 10 रुपया को लोगो, और 15 और खा ले ऊपर थे 15 की, और तो भी 150 के नीचे को सिस्टम बनना हो पन्ना, इसे चूस लो। हम खा रहे तो क्यों? बेईमानी रग रग में है। और वो भक्त क्या कह रहे हैं? स्वर्ण को मिट्टी कह रहे हैं। अरे हमारे किस काम? भगवान उनके पीछे पीछे घूमते, उसको भक्त कहते हैं। इसलिए नहीं कि चलो वहां जाके कम से कम कुछ नहीं, गुरुजी नहीं मिलेंगे तो वहां पड़े तो रहेंगे ही। भाव को समझो, को भावी मत बनो। भक्त उसे कहते हैं, किसको? जो दूसरे के धन को देखकर, स्वर्ण को पड़ा देखकर उसे मिट्टी का भाव ही समझता और कुछ नहीं समझता, भक्त उसे कहते हैं। इस स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु कहां मनुष्य के चित्त में रहने वाले राग द्वेष इत्यादि दोष हैं। भगवान का एक समान है, बोले स्फटिक शिला के समान दो, और हमारे चित्त में कौन रहते हैं?
राग लोभ ईर्ष्या काम मोह ये सब भरा पड़ा है, तो कहाँ हम लोग भक्त हो गए। इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्मता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त मार्त्य रहित प्रशांत शुद्ध चरित्र समस्त जीवों का स्वहद प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सदा विराजमान रहते हैं।